शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और फरवरी तक गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाला गया तो 16 विधायक जो कि शिंदे गुट जिसे बालासाहेबंची शिवसेना भी कहा जाता है अयोग्य करार दिए जाएंगे। पिछले साल जून में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों में बंटने और दल बदल रोधी कानूनों के तहत अयोग्यता की मांग से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शीर्ष अदालत 10 जनवरी को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध भी शामिल है। संजय राउत का कहना है कि यह अवैध सरकार वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और यह फरवरी नहीं देख पाएगी। अगर न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाला गया तो शिंदे गुट के 16 विधायक जल्द ही अयोग्य करार दिए जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार चुप है, वो कहीं नहीं दिख रही। ये उसी तरह निष्क्रिय है जैसे पानी में भैंस रहती है। राज्य सरकार में दो समूह हैं और हर कोई अपने अपने मुद्दों पर उलझा है। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी भी शामिल है। संजय राउत ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने विधानसभा के हालिया शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और अब्दुल सत्तार सहित कई मंत्रियों का इस्तीफा मांगा था। आपको बता दें, राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने इसका दावा भी किया है। हालांकि जब से महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनी है तभी से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता इसके गिरने का दावा भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।